छात्र ने पिता की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या। बेटे को था फेल होने पर पिटाई का डर। पिता की हत्या से बचने के लिए खुद की उंगलियों में लगा लिया। गुना जिले से खबर है जहां पर खौफनाक मामला सामने आया है। जामनेर तहसील के अंतर्गत हाल ही में हुई दवाखाना संचालक की हत्या के मामले में उसके 15 साल के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि नाबालिग को डर था कि परीक्षा में फेल होने पर पिता उसकी पिटाई करेंगे और इस पिटाई से बचने के लिए उसने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। उसने कुल्हाड़ी मारकर अपने पिता की हत्या कर दी और फिर पड़ोसी को फंसाने की साजिश रची। यहां तक के लिए अपने फिंगरप्रिंट जांच से बचने के लिए उसने अपनी उंगलियों के आगे का हिस्सा जला लिया। आपको बता दें कि शनिवार रविवार की रात दुली चंद अहिरवार की हत्या उसके बेटे ने की थी और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि पापा एक कमरे में अकेले सो रहे थे। रात करीब 1:30 बजे उनके चिल्लाने की आवाज आई। मैं गया तो पापा खून से लथपथ पड़े थे और घर के जीने से एक व्यक्ति छत पर भागता हुआ दिखाई दिया। बेटे की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। बेटे ने यह भी कहा कि मैं उसके पीछे भागा तो वो धक्का देकर छत से रस्सी के सहारे उतरकर भाग निकला। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। दुलीचंद्र के परिवार में बेटे से छोटी दो बेटियां और पत्नी भी हैं। एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि बेटे की रिपोर्ट पर पुलिस ने संदेही पड़ोसी को कस्टडी में तो ले लिया था, लेकिन शुरू से ही लड़की की कहानी कुछ गड़बड़ लग रही थी। पुलिस ने जब अपनी जांच शुरू की तो डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट और घटना के निरीक्षण में पूरी कहानी बनावटी लगी और मृतक के बेटे पर शक हुआ और जब बेटे से पूछताछ की तो उसने सारा घटनाक्रम उगल दिया। आरोपी ने बताया कि फेल हो जाता तो पापा यहां पर पिटाई करते, जिसके बाद मृतक के बेटे ने बताया कि पिता उससे पढ़ाई न करने की बात पर डांटा करते थे। कुछ दिन पहले उसके पिता ने उससे कहा था कि अगर 10वीं के एग्जाम में फेल हो गया तो घर से निकाल दूंगा। उसने एग्जाम की तैयारी नहीं की और बाद में उसे फेल होने का डर सता रहा था। उसे पता था कि नाली की बात को लेकर पापा का झगड़ा पड़ोस में रहने वाले से चल रहा है। ऐसे में उसने अपने पिता की जान लेकर पड़ोसी को फंसा दिया। साजिश पुख्ता करने के लिए उसने अपने घर पर रस्सी भी खुद ही बांधी थी।